रीवा जिले के हनमना जनपद पंचायत अंतर्गत कैलाशपुर ग्राम पंचायत सरपंच अंकिता पटेल के ससुर अशोक पटेल का ग्रामीणों के साथ गाली गलौज कर देख लेने की धमकी देते हुए का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायतकर्ता नीरज यादव के द्वारा हनमना थाना में मारपीट सहित गाली गलौज का आवेदन दे दिया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि विगत दिनों पूर्व कैलाशपुर ग्राम पंचायत के तेलिहा महतमान में चल रहे चेक डैम निर्माण कार्य को देखने के लिए उपयंत्री वैभव मिश्रा आए हुए थे, जिनके पास कुछ ग्रामीण शिकायत पत्र लेकर गए और यह कहने लगे कि यह निर्माण कार्य सही से नहीं हो रहा है, जिस पर सरपंच अंकिता पटेल के ससुर अशोक पटेल के द्वारा ग्रामीणों को मां बहन की गालियां दी जाने लगी और देख लेने की धमकी भी दी गई, जिसका किसी ग्रामीण के द्वारा वीडियो बना लिया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो कि अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन देने के बाद भी पुलिस के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं की गई है, जिस पर शिकायतकर्ता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। यही मैटर है, शिकायत आप अभी बताइए, हमको चोट लगी है रघुनाथ गढ़ में, अभी पता भी नहीं कहां पर, हमको पता ही नहीं है, तो आप ले जाएंगे तो कौन सी दवा? अब ऐसा है, हम गांव के नागरिक ने शिकायत करता है, सब परेशान रहे हैं, साहब से बात कर ले, तो वहां फंड वहां बात कर कैलाशपुर पंचायत में। हेलो, और आगे बोला मतलब कहीं का कहते बात ना कर, हमारे संघित देखे हो, हमारा अधिकार देख लेंगे कहाँ कहाँ है, और यदि तकलीफ हो तो हम तो ना भाई जब कहेंगे सबसे पहले कहेंगे सर तो वही है, सबसे पहले तो हार बस सुनो ना पा सकते कहे, अगर एक डीजल का चेक रघुनाथगढ़ में बनता हो, हमारी गाड़ी अगर एक भी बोल का चेक निकाली हो, तब मेरे खिलाफ मेरी गाड़ी के खिलाफ एफआईआर हो, नहीं देख गए ना, हमने बोल्ट चेक निकाला है ना, रघुनाथगढ़ में बना है ना, उसके खिलाफ एफआईआर हो, इसकी बात नहीं, तब शिकायत है ना, मना करी तब जो कहता तुम देखो, हम शिकायत हमारा नाम हो दिखाओ, शिकायतकर्ता को बोला जिसने देखा है रघुनाथगढ़ में बना, हम वैसा देख, नहीं नहीं ये नाला, ये नाला ये नाला क्या है, लेकिन उनको बुलाइए, ये नाला क्या साहब आए हैं, ये नाला क्या रघुनाथगढ़ नाला है, अच्छा और उधर उधर कैलाशपुर है, तो फिर तो पूछा न की यूँ बनाता है, बताओ था कि नहीं बनाता है, हाँ। सीमा तो शिकायत करी, सोई तू शिकायत करे तो है रघुनाथगढ़ में काट बोल रहे ऐसा नहीं, सुनिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुनना हो कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी, जो शिकायत झूठी करे या सही करे, झूठी करे है, झूठी किया है, झूठी शिकायत किया है, अधिकारी तो बार बार होती है, क्या करेंगे झूठी, यही निर्णय देखा नहीं, आप बता रहे हैं कि रघुनाथगढ़ के नाला ये है, उधर कैलाशपुर इधर रघुनाथगढ़, तो आपको चुप्पे से देखना ना चाहिए कि रघुनाथगढ़ में बोल्डर चेक बना है कि नहीं, हमार कौन चुप्पे से काहे की देखे यही साहब आए, अच्छा तो खुले हम तब शिकायत काहे तो भाई रघुनाथगढ़ बोलते चेक भाई जी करे है जे अपन उ करे है, पर हम तो नहीं देखे कि हमारा वो अधिकार है साहब, बिल्कुल है, आप देखिए जो भी काम हो रहे हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसके लिए एक मिनट जरूर साहब है, देखिए रघुनाथगढ़ में पंचायत का कार आ रहे हैं, देखे कि हमारा वो अधिकार है साहब, बिल्कुल है, आप देखिए जो भी काम हो रहे हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसके लिए एक मिनट जरूर साहब है, देखिए रघुनाथगढ़ में पंचायत का कार आ रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, कौन सा निंदनीय है, निकारे करो असल माई को, दोगला औलाद न हो तो निकार दे, अरे अपने बाप को हो सारे, जे शिकायत करे हो अगर हो साहब तो हम अपना पैर छुप कहिला, रघुनाथगढ़ में पूरा डांट साहब तैयार लिख कर दी, फैसला हो जी जी है जहाँ से है, शिकायत करता है, एक हम तो देखी हम कह रहे हैं,
हमारे कार्यकाल में जो हमें कर्मी आए गए हैं ना, हम कैलाशपुर के नागरिक हैं। उनको अभी हमका न बतावा नागरिक एनी टाइम आ सकत है, शिकायत पक्ष में नहीं आवता। जब आज शिकायत कब तक का दिक्कत है, का कर बदे कपाल तो पछे देख ले आन न आके देख ले यही रहत है अपने अधिकार के ओरिजिनल। ए बराबर है ना बात साहब शिकायत करता नहीं है, तुम कंज शिकायत करता जब जो करे सब देख कोई रघुनाथगढ़ में ऐसा नहीं लग रहा है। शिकायत करना के बिना आप आन कैसे जांच करे, शिकायत करता है तो बुलावे चाहिए। हम पांच दल की फोन लगान है, नहीं बसा है साहब, बसा है उनको पांच बार फोन बता है उसने उठकान से जांच करे लेते गाड़ी दो होटल में की शिकायत करता है आई की हम बजे मतलब किया है शिकायत करता है। रघुनाथगढ़ में चेक डैम बन रहा है नंबर 1 पुरानी कखरी उधार के बना जा रहा है साहब, पुरान पूरा देख जाए रघुनाथगढ़ पे। अब शिकायत करता आवे मौके पर, हम गलत है मेरे खिलाफ हो गए फिर रंग देखे तू देखे तब पुरान हम आए हैं तो हमको बात कर ले लीजिए, नहीं भी हमारी आवश्यकता ना हो तो हम चले जाए फिर देखिए आने बहने देखिए आने चली तुम चल दे देख लीन जाए कुमार यादव नाम है मेरा, मैं कैलाशपुर से का निवासी हूँ। मेरी समस्या ये है कि कल उपयंत्री वैभव मिश्रा आए थे हमारे गांव में काम चल रहा है चकडैम बनाने का, उस चकडैम में पुराने चकडैमों को ध्वस्त करके नए चकडैम का निर्माण किया जा रहा है, इसकी शिकायत हम लोग किए थे। इसकी जांच के लिए उपयंत्री साहब आए थे, उनके साथ में हम लोग गए। जब उनके साथ में गए तो हम तीन चार लोग हम लोग थे तो हमारे साथ अभद्रता की गई, हमारा गला दबाया गया, हमें जान से मारने और अपहरण कर लेने की धमकी, तमाम प्रकार की धमकियां दी गई सरपंच के पति रोहित पटेल, ससुर अशोक कुमार पटेल और अनिरुद्ध पटेल के द्वारा। इसके बाद बोला गया अगर आज के बाद आओगे यहाँ तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें उठवा लेंगे इस महीने के अंदर में और कटवा करके जंगलों में फेंक देंगे। इसकी जानकारी मैंने संबंधित थाना हनुमाना क्षेत्र में दे दिया है और इसकी हम चाहते हैं कि इसकी कार्यवाही हो। जितने भी आज तक में कम से कम 20-25 हम लोग आवेदन दिए हैं सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, जिला सीओ साहब को, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, न ही कोई जांच की जाती है। और थाने पर पूरे गांव की यह समस्या है, थाने पर इसके खिलाफ कम से कम 25-30 आवेदन दिए होंगे, लेकिन इसके खिलाफ कभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, कोई FIR नहीं होता जी। गाली गलौज करते समय का साक्ष्य वीडियो मेरे पास है जो मैं आपके के समक्ष पेश कर रहा हूँ। अशोक पटेल के द्वारा बार बार हम लोगों को जान से मारने, झूठे मुकदमे में फंसवाने, 376 के मुकदमे में फंसवाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसकी शिकायत भी उन्होंने वो थाने पर किया, इसकी रीवा महिला थाने गए, SP ऑफिस गए, हर जगह जा करके किए, लेकिन उसकी जांच हुई और कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो झूठा सब प्रकरण था, झूठा प्रकरण बनाकर हम लोगों को फंसाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसमें से हम अपने यादव समाज से आता हूं और हम लोगों को का जीना हराम कर दिया है यादवों का और ब्राह्मणों का। उनका कहना है कि मेरे काम में मैं चाहे जैसे जिस हिसाब से 8 साल काम किया हूँ उस तरीके से काम करना चाहता हूँ, मेरे सामने न कोई यादव आए न कोई ब्राह्मण आए। पटेल सरपंच के वर्तमान सरपंच अंकिता पटेल हैं, उनके ससुर अशोक पटेल हैं, पति रोहित पटेल हैं और चाचा ससुर अनिरुद्ध पटेल हैं, जो तीनों हमेशा उद्दंडता करते हैं, हम लोगों को जान से मारने की धमकियां देते थे दे हैं। कल 20-25 लाठी लेकर के गए थे और हम लोगों को एकदम को लाठी चार्ज से पेश हुए और वहाँ बीच बचाव में आए कल्याण राम खिलावन यादव जी, राजभोर यादव, रमेश पटेल
और उपयंत्री श्री वैभव प्रसाद मिश्र जी थे। इन लोगों के द्वारा जान बचाई गई, किसी तरह से जान बचा करके वहाँ से भागे और जा करके थाने में शिकायत की। शासन प्रशासन से यही चाहते हैं, आज दिनांक तक मेरे पंचायत में सर जब से चुनाव हुआ है तब तक किसी भी समिति की बैठक नहीं ली गई। बिना समिति की बैठक के ही पूरे काम मनमानी तरीके से किए जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसकी जांच करे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई हो सभी के खिलाफ। जितने लोग थे लाठीचार्ज किए उसका वीडियो आपके पास सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इससे संबंधित इसकी उसकी शिकायत हो और उसके खिलाफ़ FIR हो। हम यही चाहते हैं शासन से मांग।